नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। रामनगरी अयोध्या में बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि हादसा उस वक्त हुआ जब सरयू नदी के घाट पर स्नान करते वक्त एक ही परिवार के 12 लोग डूब गए। वहीं डूब रहे 3 लोगों को स्थानीय गोताखोरों ने बचा लिया, बाकी 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। हादसा गुप्तार घाट के कच्चे घाट पर हुआ था और इसके बाद SDRF और NDRF की टीम ने रात में ही रेस्क्यू किया था, जिसके बाद सुबह फिर से SDRF और NDRF की टीम नदी में उतरी और रेस्क्यू ऑपरेशन को फिर से शुरू किया गया। फिलहाल लापता लोगों की खोज अभी भी जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ममता जुड़ चुकी है। तो ममता, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर। ये जो परिवार है थाना सिकंदरा के शास्त्रीपुरम इलाके में रहता है, जहां एक ही परिवार के 15 लोग तीर्थ यात्रा के लिए अयोध्या जाते हैं और वहां सरयू नदी के जो गुप्त घाट है वहां नाव के द्वारा कुछ पूजा अर्चना के लिए निकलते हैं। तो वहीं जब हल्की हल्की वहां जो नदी के किनारे जब बारिश में बैठ जाते हैं, हल्की हल्की जब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो वहां वो लोग फिसलना स्टार्ट होते हैं। उनमें से कुछ 6 लोग लगभग फिसलना शुरू हो जाते हैं। तो जब 6 लोगों को फिसलते हुए देखते हैं तो बाकी के जो लोग हैं उनको बचाव करने के लिए आते हैं। तो उनके साथ में एक एक करके बाकी के 6 लोग और नदी के अंदर समा जाते हैं और इसके बाद में जो 15 लोग में से 3 लोग बचे थे तो वो वहीं रह जाते हैं। इसके बाद में इस घटना की सूचना मिलती है तो वहाँ की स्थानीय पुलिस और उसके द्वारा रेस्क्यू किया जाता है, कि जिसके बाद में वहां से 6 लोगों को निकाल लिया जाता है और उसके बाद में उसके देर रात एक और बॉडी को निकाला जाता है। इसमें 6 लोगों की उन 12 लोगों में से मृत्यु हो जाती है और एक को बाद में उस मृत घोषित किया जाता है। इसके बाद में 3 लोगों को और निकाला जाता है जो कि वहां हॉस्पिटल में उनका फिलहाल ट्रीटमेंट चल रहा है और इसके बाद 2 लोगों की अभी भी जांच पड़ताल जारी है। रेस्क्यू जी ममता, जैसा कि आपने बताया कि अभी भी कुछ लोग बचाए गए हैं और उनका इलाज अस्पताल में जारी है, किस तरह की स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल, स्थिति बहुत ही गमगीन माहौल बना हुआ है। जिस तरह के एक ही परिवार के 15 लोग जाते हैं, वहाँ 12 लोगों को वहाँ डूब जाते हैं और उसके बाद में 7 लोगों की डेड बॉडियां निकलती हैं और बाकी के 3 लोगों को जब अस्पताल में ले जाया जाता है उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। तो इस तरह की जब घटना होती है तो जाहिर सी बात है कि जी काशीपुरम के निवासी है वहां पर भी लोगों का आगमन है, वहां के उनके बाकी के परिवार के लोगों को सांत्वना देने की भीड़ की लग गई है। जी, और रेस्क्यू ऑपरेशन की बात की जाए ममता, तो क्या कुछ रेस्क्यू किया जा रहा है और कब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है? जी बिल्कुल, कल दोपहर से ही ये रेस्क्यू जारी है। यहाँ दोपहर से लेकर देर शाम तक ये 7 डेड बॉडियों को निकाला गया था, क्योंकि 3 बाकी के जिला अस्पताल में जो भर्ती है और रात 12 बजे तक ये रेस्क्यू चला था। 12 बजे के बाद आज सुबह से दोबारा इसको रेस्क्यू चलाया गया है। फिलहाल दो लोग रह गए हैं, उनके लिए रेस्क्यू जारी है अभी। जी ममता, जैसा कि बताया कि आगरा के निवासी थे, वो पूजा अर्चना के वजह से अयोध्या गए जहां पर सरयू नदी में हादसा हुआ ये बड़ा, तो क्या लगता है और भी क्या कुछ वजह सामने निकल कर आ रही है? जी बिल्कुल प्रिया, मैं आपको बता दूं कि यह फिलहाल तीर्थ के लिए अयोध्या गए थे, वहाँ जो सरयू नदी के जो गुप्त घाट है वहाँ पर बताया था। तो वहाँ जो सीताराम का जो मंदिर था, एक पूजा अर्चना का ही भाव था उनके अंदर, जो सीताराम के मंदिर के लिए पूजा के लिए ये लोग गए थे। वो बारिश का ही मेन कारण रहा, जो कि वहाँ किनारे पर जब ये लोग बैठे थे बारिश की वजह से धीमे धीमे उस बहाव में धीमे धीमे इन्होंने एहसास ना हो पाया इनको और ये वहाँ नदी में समाने लग गए। जी ममता, आपसे जानना चाहेंगे क्या सरकार की तरफ से कोई मदद का आश्वासन दिया गया है? तरफ से मदद का पूरा आश्वासन दिया गया है कि जिन लोगों की जो वहां मौके पर ही मौत हो गई है उनको योगी सरकार की तरफ से मदद का पूरा आश्वासन दिया गया है कि और जो बाकी जो बचे हुए हैं उनका ट्रीटमेंट जारी है। जी ममता जी, जैसा कि बताया गया है कि CM योगी आदित्यनाथ भी रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, जब से ये रेस्क्यू ये जो घटना हुई है, जब से बराबर जो CM योगी आदित्यनाथ का जो आदेश था उसके अकॉर्डिंग सारे अधिकारी मौके पर पहुंच गए और लगातार वहां अपनी नजर बनाए हुए हैं। जी कौन कौन सी टीमें लगाई गई हैं? जिस तरह से बताया कि NDRF की टीम है और भी कई टीमें हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है?
एनडीआरएफ की टीम भी लगाई गई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, वहाँ का स्थानीय पुलिस भी है, वहाँ गोताखोर भी लगाए गए हैं और सभी पूरी मशक्कत के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाब बनाने में लगे हुए हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ममता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि रामनगरी अयोध्या में एक बड़ा हादसा हो गया है। बता दें कि यह हादसा उस वक्त हुआ है जब सरयू नदी के घाट पर स्नान करते वक्त एक ही परिवार के 12 लोग डूब गए हैं। वहीं डूब रहे 3 लोगों को स्थानीय गोताखोरों ने बचा लिया है और बाकी 5 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। हादसा गुप्तार घाट के कच्चे घाट पर हुआ था और इसके बाद से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रात में ही रेस्क्यू किया था, जिसके बाद सुबह से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम नदी में उतरी और रेस्क्यू ऑपरेशन को फिर से शुरू किया गया। फिलहाल लापता लोगों की खोज अभी जारी है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये निर्देश जारी किया है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसमें तेजी लाई जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।